वंस आई गॉट रिजेक्टेड वाई नैशनल ड्रामा आई वॉज कम्प्लीटली डिसहार्टेंड आई डेंट नो वॉट टू डू ना नहीं तो मैं डिप्रेशन में चला गया आई रिली डिट नो ब्लैकआउट हो चुका था मेरा एक ख्याल आया कि यार अब तो गाँव नहीं जा सकता मैं मैं क्या मुंह दिखाऊंगा किसी को यू नो इट इज बेटर टू डाई तो एक दिन में तीन प्रोजेक्ट से निकाला गया मैं जिंदगी ऐसी हो चुकी थी कि रिजेक्शन बिकेम पार्ट ऑफ माई लाइफ मैं किलर सुबह का शॉर्ट देने जाने वाला हूँ मेरा बॉय जो है मेरे वैन में है सिड और मैं अपने फादर से फ़ोन पे कह रहा था बाबू जी जाइए बाबू जी हो गया प्लीज़ गो पैसे हैं नहीं उन पैसे उन फिल्मों में पैसे नहीं होते थे बिल्कुल नाम बराबर फ्री में करते थे उनके लिए उनके लिए तो आज भी फ्री में 20-25 जर्नलिस्ट हैं बाहर लोग फोटोग्राफर खड़े हैं एंड नाउ दैट स्टार्टेड बिकमिंग अ थिंग ओ मनोज बाजपेयी जो है ऑटो में आ रहा है You know, a नो स्टोरी आउट my माई 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 पॉवर्टी रियली पुटिंग इंक ऑन हिज फेस एंड इैट वॉज अन दैट he doesn't know this. I went into my bathroom, I cried. क्या रामू जी ने आपको दौड़ के लिए सॉरी बोला था दौड़ के लिए सॉरी नहीं बोला दौड़ के लिए कहते थे दौड़ फ्लॉप होने का मनोज वाजपेयी है मैंने मुझे लगा कि यार ये कितने लिबरल लोग हैं कितने इवॉल्व लोग हैं इनको पता ही नहीं है कि कितने बड़े रेसिस्ट हैं और सत्या अ स्टार क्या चावला जी ने आपको एक फिल्म से हटाया था क्योंकि उनको लगा कि आप बहुत पोअर दिखते हैं कोई फिल्म से हटाया के के ने कहा है दैट अगर सत्या नहीं आई हुई होती इफ मनोज बाजपाई सत्या हैड एंड कम एक्टर्स लाइक हिम एंड इरफान हैव स्टिल स्ट्रगल्ड पता है अब एक इसने इंडस्ट्री को बहुत बर्बाद किया बहुत ज़्यादा एंड देन यू आर नॉट इवन लुकिंग आउट ऑफ आउटसाइड योर ओन हाउस योर ओन लॉबी यू नो फॉर द टैलेंट वेर द टैलेंट बिकम अक्स अमिताभ बच्चन के साथ समय से आगे था राइट या उसके उसके नहीं चलने का मुझे दुख हुआ था आई माई थर्टी ईयर्स इन सिनेमा हंड्रेड फिल्म माई अनटोल्ड स्टोरीज मेरे अपने सिद्धार्थ सिद्धार्थकरण को सुनाइए उनके यूट्यूब चैनल पर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और एक इनको चुम्मी भेजिए नो नम फॉर थर्टी ईयर्स

एटीन एंड हाफ ड्रीम्स टू फिट इन टू अ बिग सिटी उसके पहले दिल्ली देखा नहीं था एंड <coughs> uh, मेरा एक दोस्त था रविंद्र चौधरी अभी उसके बेटे की शादी में गया था मैं ही इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग मी टू डेली नहीं तो मुझे तो सिर्फ तुझे ये बताओ कि मुझे डर लगता था कि पटना कैसे जाऊंगा क्योंकि आप इतने शील्डेड थे नहीं शील्डेड नहीं बिकॉज आप छोटी जगह में हैं वहाँ पे ड्रीम देखना भी जो है गुनाह होता था ड्रीम देखने से भी आपको डर लगता था कि यार ये देख लिया तो पूरा तो होने नहीं वाला है और आप क्लस क्लस के यहीं पर जो है मर जाओगे वहाँ पर आपके सपना आ रहा है बार बार सपना आपको तंग कर रहा है

तो मैंने कहा कितना पैसा लगेगा तो उसने कहा ये करीब चालीस पचास रुपये ऐसा लगता मैंने कहा इतना तो मेरे बाप देगा नहीं यार और दिल्ली तो जाने नहीं देंगे कहता तो है किसी तरीके से तू टिकट का इंतज़ाम कर मैंने अपना रिजर्वेशन करा लिया मेरा तो बड़ा भाई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसरा हं, हं ये हंसराज में तो मैं तो पहले वहाँ रहूँगा फिर किराए पे हम लोग कमरा किसी तीन चार लोगों के साथ वो बोल रहे थे कि वो दिलवा देंगे और जाके अप्लाई कर करूँगा मैं मैंने कहा ठीक है टिकट ले लेता हूँ टिकट ले लिया मैंने अब वहाँ से हमको पटना पहुँचना है रोड्स वर नॉट दैट गुड तो मेरे गांव से पहले बेतिया पहुँचो जहाँ मैं पढ़ता था फिर बेतिया में एक रात रुको फिर बेतिया से अगले दिन सुबह की बस लो बस ले करके आप मुजफ्फरपुर पहुँचिए जो कि रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत दिक्कत थी किसी तरीके से छः घंटे में आप पहुँचे मुजफ्फरपुर वहाँ बड़ी बड़ी बहन की शादी हुई पड़ी थी हम दोनों वहीं रुक गए वहाँ रुक गए फिर रात को सिनेमा देखा बहन के घर खाना खाया अगले दिन सुबह उठे बस स्टैंड गए फिर वहाँ से हमने पटना के बस लिया आजकल पटना से मुजफ्फरपुर की दूरी डेढ़ घंटे है एग्जैक्टली सवा घंटे से डेढ़ घंटे उस समय हमको लगते थे साढ़े तीन घंटे चार घंटे फिर आप पटना पहुंचे स्टेशन पे पहुंचे और स्टेशन पे आप बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है प्लेटफॉर्म पे जयंती जनता ट्रेन लगेगी और कब हम ट्रेन में घुस के अपनी सीट लेंगे अच्छा मुझे मेरे दिमाग में ये बर्थ वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं क्योंकि उस तरह की मैंने ट्रेन नहीं देखी थी जहाँ पर सोने के लिए आपको बर्थ बुक करना पड़ता है अब मेरे पास में वो बुकिंग नहीं थी रिजर्वेशन नहीं था तो पूरे रास्ते आ, कभी वो सोता था बर्थ पे और मैं नीचे सोता था नीचे अखबार बिछा के कभी मैं सोता था बर्थ पे और उस रात मुझे 101 डिग्री बुखार एंड आई वॉज इन हेल एंड आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ रविंदर चौधरी जो है वो भी मेरा ख्याल रख रहा था जैसे तैसे ट्रेन पहुंची दिल्ली के बाहर तो तुम पता नहीं तुम दिल्ली के तो नहीं हो लखनऊ का हो ना दिल्ली के बाहर ना ठीक वहाँ पे सिग्नल रेड था तो ट्रेन रुक गई आईटीओ ब्रिज होता है एक और आईटीओ ब्रिज में जहाँ ट्रेन रुकी है ब्रिज से नीचे से आप देख रहे हो ट्रैफिक जा रहा है बिग सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मी इट वॉज लाइक अ फेरी लैंड लुकिंग आउटसाइड द विंडो आई स्टिल रिमेंबर लुकिंग एट द होर्डिंग्स वहाँ पे और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड बुखार है और मैं क्या सोच रहा हूँ मतलब आप देखो करेज उस उम्र की अभी मैं नहीं कर सकता एक दिन मेरा चेहरा होगा इस होर्डिंग पे तो रविंद्र चौधरी ने कहा क्या देख रहा है तू फीलिंग ऑल राइट तो मैंने कहा हाँ यार या, कमजोरी बहुत ज़्यादा है तो क्या देख रहा था उधर मैंने कहा नहीं वो देख रहा था वो जो बोर्ड लगा है ना वो देख रहा था क्या सोच रहा था मैंने कहा एक दिन मेरा पोस्टर लगेगा वहाँ पे तो चुतिया <laughs> यही सब सोचते रहते हो <laughs> अभी पहुँचे भी नहीं है हम <laughs> <laughs> ख्वाब इतने बड़े <laughs> ख्वाब इतने बड़े एंड गया हॉस्टल फिर उसके बाद जब मेरा मुझे डॉक्टर से दिखाया उसके बड़े भाई ने हम लोग हॉस्टल में ही रहे उनके कमरे में एंड जो अप्लाई करना होता है अलग अलग कॉलेज में अप्लाई किया ये सारा चक्कर चला फिर मेरा कैंपस में नहीं हुआ कैंपस के बाहर हुआ सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड मैं गया था कि मुझे नेशनल स्कूल ड्रामा में एडमिशन मिलेगा तीन साल में लगातार थिएटर किया चार बार रिजेक्ट हुआ यस yes, चार साल बैन तीन साल मैंने थिएटर सिर्फ थिएटर किया मैंने ग्रेजुएशन कहाँ किया मैं बहुत कम पढ़ता था बिकॉज मेरा मन नहीं लगता था मेरा मुझे था कि ये मैं शह, सही शहर पहुँच चुका हूँ आई हैव है माई सेल्फ आई हैव टू बी स्किल्ड चार साल तीन साल थिएटर करते हुए मुझे बहुत अमेजिंग थिएटर किया मैंने वहाँ पे सही लैंग्वेज सीखी अंग्रेज़ी नहीं आती थी हिंदी मेरी बहुत हिंदी मीडियम से पढ़ा था मैं लेकिन हिंदी बोलने में बहुत बुरा था मैं हम लोग बिहारी लोग हैं ना तो शराब को शराब बोलते हैं जहाज को जहाज़ बोलते हैं तो और उसमें लहजा आता था उसके कारण बहुत दिक्कत होती थी मुझे मेन रोल मिलने में थिएटर में वो सीखना था तो सीखने के लिए बहुत था सो आई ऑन लर्निंग फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स दैट आई स्टेड इन लगातार थिएटर पर नैशनल स्को ड्रामा के लिए अप्लाई करता रहा लगातार रिजेक्ट होता रहा लगातार हार्ड वर्क करता रहा बट ये रिजेक्शन के चक्कर में और उसको फिर से वापस से ज़्यादा मेहनत के करने के चक्कर में मैं बड़ा स्किल्ड हो गया बहुत ज़्यादा एंड द फर्स्ट रिजेक्शन वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट वन मोस्ट डिफिकल्ट आई द फर्स्ट रिजेक्शन नैशनल स्को ड्रामा बिकॉज आई डेंट है प्लान बी आई नेवर बिलीवड इन प्लान बी आई

ये वही टाइम था जब आपने सुसाइड के बारे में सोचा नो इट वाज नॉट अबाउट यू नो थिंकिंग अबाउट सुसाइड इट वाज मैंने कहा था कि ऐसे ही एक ख्याल आया कि यार अब तो गांव नहीं जा सकता मैं मैं क्या मुंह दिखाऊंगा किसी को यू नो इट इज़ बेटर टू डाई यू नो सो एक होता है ना कि ऐसे एक फ्लैश आया बट दैट डेंट लास्ट लॉन्ग फ्लिप हो जाता हाँ, है हाँ हाँ डिट लास्ट लॉन्ग बट माई फ्रेंड्स आर होल्डिंग माई हैंड द फ्रेंड्स हु वो काइंड ऑफ दे मैनेज मी थ्रू आउट माई कॉलेज मेरे रेंट को मैनेज करते थे मेरे फिद फादर जब भी होता था कभी भी अफोर्ड कर पाते थे तो कभी कुछ पैसा भेज भेज देते थे डेढ़ सौ रुपये दो सौ रुपये बट वो ख़त्म हो जाता क्योंकि जब तक मैं रेंट और बस का फेयर देता था उसके बाद आई टू हैव नथिंग सो इफ आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई हाउस वेयर द फोर पीपल और स्टेइंग इफ गेटिंग माई हाउस गेटिंग आउट ऑफ माई हाउस देन आई हैव नथिंग

और शाम को वापस बस में कैसे जाएंगे अपने कमरे में क्योंकि बस का पैसा भी नहीं है बट दैट नेवर काइंड ऑफ ट्रबल मी बिकॉज आई टू जस्ट वॉक केप्ट ऑन वॉकिंग वॉकिंग रिहर्सिंग माई लाइन्स ऑफ द प्ले जस्ट वॉकिंग वॉक करके मैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल के मैं अपने कमरे पहुंचता था बहुत बार ऐसा हुआ अब uh,

आईवर सेलेक्टेड मान सिंह का रोल करने के लिए मैंने वो किया करने के बाद जो पचास हज़ार रुपये मिले उसमें से कुछ पैसे इधर उधर तो जो बकाया थे दे करके तीस हज़ार रुपये लेके मैं और सौरभ शुक्ला ट्रेन में बैठ के मुंबई आ गए मुंबई में सेड डेली क्योंकि मुंबई आने का सपना हम खोज हम हम इतने थिएटर को प्यार करने लगे थे कि हम आना नहीं चाहते थे बट शेखर कपूर ने कहा कि यार यू गाइज आर एजिंग टमोरो यू विल गेट मैरिड यू हैव नथिंग हाउ कैन यू नो मैनेज यू गेट मनी टू ट्रीट यूर सेल्फ हाउ कैन यू मैनेज टू रन अ फैमिली एंड देट्स केयर अस वो तभी हम लोग शिफ्ट हुए एंड हम लोग डी नगर के चौल में रहते थे उस समय चौल टाइप का सेटअप था अभी तो पूरा डी नगर रीडेवलप हो चुका है तो आप और कौन थे मैं और सौरभ थे शुरू में टू स्टार्ट विद बाय एंड ऑफ सिक्स मंथ्स देर वार अराउंड थ्री फोर मोर गाइस और ये विक्टर आचार्य ना विक्टर आचार्य विजय कृष्ण आचार्य वो आता था हम लोगों के साथ पार्टी करने कभी कभी उसके पास कभी कभी पैसे हो जाते थे तो वो uh, चखना वगैरह लेके आता था <laughs> <laughs> तो तोड़पते वो कब आएगा <laughs> वो कब <कभ> आएगा <laughs> या कोई कब आएगा जो चखना और साथ में जो द्रव्य पदार्थ है, <laughs> <laughs> है वो लेके आया वो लेके तो ऐसे लोग कभी कभी आ जाते थे बट नॉट वर्किंग सी डेली वॉज डिफरेंट बिकॉज आई वॉज वर्किंग एवरी डे फ्रॉम सेवन ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग टिल सेवन ओ क्लॉक एट ओ क्लॉक नाइन ओ क्लॉक टेन ओ क्लॉक इन द नाइट कहते आप प्ले चल रहा है दो दो प्ले करता था मैं दिन में बहुत बिजी था मैं बहुत बिजी आदमी था थिएटर में यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं था एंड दैट्स हाउ द होल एफर्ट टू गेट वर्क स्टार्टेड तो विजय आचार्य जिसको हम विक्टर बोलते हैं प्यार से तो वो आता था रवि वासवानी आते थे कभी कभी विक्टर के दोस्त हो चुके थे विक्टर आचार्य के तो uh, आशीष विद्यार्थी कभी आ जाता था और आशीष विद्यार्थी की आदत थी कि वो नीचे से चिल्लाता था मना आज मना आज ना तो चिल्लाता था वो और छोटा सा कमरा था सोते थे तो दो लोग सोते थे मैं और सौरभ उठते थे हम तो छः लोग होते थे तो जिसको कहीं सोने का नहीं मिला वो भी आ जाता था हमारे साथ <laughs> 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 तो अभी साइड में सब कुछ बड़ा फ़नी लगता है उसमें भी बड़ा फनी मतलब कुछ एक चीज़ें बड़ी फ़नी लगती थी एक बार याद है कि रंजीत कपूर साहब बहुत ही महान थिएटर डायरेक्टर और राइटर एक बार हमने उनको बुलाया कि आइए हम आपको खाना खिलाएंगे और सौरभ ने जो है मीट बनाया चिकन बनाया सब कुछ तैयारी किया उनके लिए जो है मदिरा भी मंगाई गई सब कुछ और मदिरा जो है सब पी रहे हैं और रंजीत कपूर साहब इतने ज्ञानी आदमी इतने जानकार आदमी कि अब जब शराब का सिलसिला चला तो उन्होंने खाने पे बात करनी शुरू की कहाँ का खाना क्या कहाँ का खाना क्या कहाँ का खाना ये कहाँ का खाना ये पीने के बाद हाँ और होते होते खाने की इतनी बात हुई कि हम सब लोगों का पेट भर गया वो जितना बनाया था किसी ने नहीं खाया बिकॉज वी सो ओवरवे विद टॉक और सब उसके सब वहीं सो गए जहाँ बैठे थे वहीं सो गए सुबह सात बजे आठ बजे उठ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम दीवार से लग के सोए हुए हैं कोई कहीं पर पड़ा हुआ है कोई कहीं सो बट इट वॉज ये टाइम ऐसा था जब कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ करता था ये एक टाइम ऐसा था कि जब हम सेट पे जाते थे तो चेहरे पे लिखा होता था कि ये जो है इसके पास काम नहीं है तो वॉचमैन भी बोलता था कहाँ चलिए बाहर शक्ल देखकर कर शक्ल दिख शक्ल पे लिखा हुआ था कि ये फुकरा है इसके पास कुछ नहीं है ये काम तो हम लोग किसी सेट पे घुस जाते थे किसी तरीके से चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे लिए खुदा होता था क्योंकि वही जो है हमारे पोर्टफोलियो रखता था फिर उसमें से चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के घर पे कभी कभी हम बहुत लकी हुए तो उसके घर पे हमें आने का इन्विटेशन मिलता था हम जाते थे तो हम उसके लिए दारू बनाते थे और देते थे सर को कि ये हमारा नाम रेकमेंड करेंगे सुभाष घई साहब को ये नाम रेकमेंड करेंगे फला मुकुल आनंद सर को तो वो एक समय था मेरा और वो आ, लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग ये था कि मैं दिल्ली में जितना बिजी था मैं यहाँ पर uh, कोई काम नहीं था करने के लिए आई वॉज़ कंप्लीटली डाउन एंड आउट देन आई रियलाइज़ कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा आई एम गोइंग हंग्री आई एम लुकिंग लुकिंग फॉर फॉर अ फ्रेंड्स प्लेस वेर आई कैन गो एंड आई कैन ईट समथिंग पैसे ख़त्म हो रहे थे ना पैसे कहाँ आ ही नहीं रहे थे कभी एक एपिसोड कहीं पे मिला तो वहाँ से चार सौ रुपये मिल गए कभी दो एपिसोड कहीं मिला तो वहाँ से आठ सौ रुपया है वो भी आता था नौ महीने में एक बार तब तक जो है दोस्तों के आ, मतलब आप सहारे पे ज़िंदा हो मैं थिएटर कर नहीं रहा था यहाँ पे तो वो भी बिजी नहीं था देन आई मैंने कुछ एक एक्सरसाइजेज इन्वेंट किए और वो मैं एक्सरसाइज करता था अपने थिएटर के कुछ एक्सरसाइज और कुछ एक मैंने अपने इन्वेंट किए कि पूरे दिन न्यूज़पेपर कटिंग से एक कैरेक्टर लेकर के मैं उस पर तैयारी करता था और पूरे दिन तैयारी करता था उस पर और शाम को किसी दोस्त को बुला लेता था और उसको मैं इम्प्रोवाइज करके वो कैरेक्टर दिखाता था सो दैट बिकेम माई रूटीन एंड दैट हैज़ हेल्प मी क्वाइट आइडल लॉट कि वो कहीं ना कहीं एक संतोष होता था कि आज मैंने कुछ किया आज एक आध डायरेक्टर को मैंने जो मुझे रोल देना दे सकते थे वो बेचारे बीच में ही गुजर गए तो आई वॉज़ लाइक कि जो सहारा था वो भी चला गया जिंदगी भी, भी साथ नहीं दे रही जिंदगी भी साथ नहीं दे रही है देन आई वॉज नॉट वेल बहुत तबीयत खराब रहती थी मेरी औरशू धुलिया के भाई के घर पे भी हम लोग जाते थे मिलते थे कभी कभी तो वहाँ जाते थे तो वो हमको बहुत ट्रीट अच्छे से करते थे उसके भाई कभी हम फिर सौरभ शुक्ला शिफ्ट हो गया था गोरेगाँव कुछ और दोस्तों के साथ उन लोगों के घर चले जाते थे हम तो इट वॉज़ अ इट वॉज़ अ टफ टाइम ऑन ऑन मैनी लेवल आपको काम मिल रहा है एक काम मिला एक सीरियल में मुझे मैं गया पहला दिन का शूट पहला टेक दिया उसके बाद अचानक देखा कि सब डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर आपस में खुशफुस कर रहे हैं फिर डायरेक्टर चले गए इधर फिर पीछे पीछे एसोसिएट डायरेक्टर चले गए फिर उसके कुछ देर बाद असिस्टेंट डायरेक्टर चले गए उसके बाद मैं और कैमरा उस जगह पे और कोई नहीं है और मैं सोच रहा हूँ सब कहाँ चले गए उसके करीब पंद्रह बीस मिनट के बाद चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर आया उसने कहा कि अच्छा एक काम करो कपड़े उतार लो और अपने कपड़े पहन लो बाद में फ़ोन करता हूँ मैंने कहा क्या हुआ मा, मैंने अगर अच्छी एक्टिंग नहीं की क्या नहीं नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है छोड़ दो अभी ठीक है देखते हैं आगे तो मैंने कपड़े उतारे अपने कॉस्ट्यूम उतारा कॉस्ट्यूम उतार करके अपना कपड़े पहने अपना एक छोटा सा बैग था वो उठाया और इधर इन लोगों की शूटिंग डिले हो गई क्योंकि इनका जो मेन एक्टर जो मैं था वो निकाल दिया गया ओके okay? अब नाउ वहाँ से दादर स्टेशन करीब था तो वहाँ पे चल के जाना है मुझे तो सीढ़ी से उतर के मैं जा रहा था द मोस्ट डिफिक अनकम्फर्टेबल और डिफिकल्ट वॉज

मैंने सोचा विक्टर शूटिंग कर रहा है मैं वहाँ चला जाता हूँ दो उनकी शूटिंग तो चार तीन दिन के बाद मेरी आने वाली थी मैं जाता हूँ वहाँ पर हैंग आउट करूँगा मैं वहाँ गया तो देखा कि मेरा रोल कोई और कर रहा है तो मैंने विक्टर को बुलाया मैंने कहा यार ये तो मेरा रोल था कहता है आज तेरा दिन जो है ना रिजेक्शन वाला है तो, तो चल आज मुझे जो है पैसे मिलेंगे आज डेढ़ सौ रुपये मैं दारू लेके आता हूँ मैंने कहा लेकिन ये मेरा रोल चला गया कह रहा है छोड़ ना ऐसे रोल आते जाते रहेंगे लेकिन तू एक काम कर तू यहीं पे रुक जाने तो वहाँ जाएगा तो सुसाइड कर लेगा तू यहीं रुक मैंने कहा सुसाइड नहीं करूँगा भाई मैं सुसाइड नहीं करूँगा लेकिन यार रोल चल मैं अभी अभी से एक से निकाला गया यहाँ पर ऐसे ही आया तो देखा कि दूसरा भी चला गया तो कह नहीं अगर तुझे बहुत तकलीफ हो रही है मनोज है ना जिंदगी बहुत बड़ी है समझ गया ऐसे बात कर रहा है मुझसे मैंने कहा ठीक है तू आ जा लेकिन आना ज़रूर ले करके आना आज मुझे बहुत ज़रूरत है तो तू चल चल मैं आऊँगा आऊँगा तो वहाँ से मैं पहुँचा अपने डी नगर के चाली के नीचे तो वहाँ पर पी फोन बूथ था अब फ़ोन बूथ पे लाइन में खड़ा हुआ कि फ़ोन लगाने के एक और सीरियल में सेकंड रोल मिला था मुझे hmm. कि उसको लगाता हूँ कैसा क्या है आई हैव टू फील समथिंग गुड अबाउट माय लाइफ मैंने फ़ोन लगाया डायरेक्टर को तो डायरेक्टर तो ने कहा आ, मैं आ, मैं इसको फ़ोन देता हूँ अपने असिस्टेंट डायरेक्टर इसको फ़ोन देने से बात करो मैंने कहा हाँ क्या हुआ कब से शूटिंग शुरू हो रही है आ, नहीं हम लोग तो दो हफ्ते में शुरू कर रहे हैं लेकिन यार वो दूसरे के लिए सोचते हैं तुम्हारा हमको लगता है कि वो हो नहीं पाएगा तो दूसरे के लिए हम ट्राई करेंगे आई कॉन्टैक्ट यू डोंट वरी तो एक दिन में तीन प्रोजेक्ट से निकाला गया मैं एक ही दिन में तो मेरे लिए जिंदगी ऐसी हो चुकी थी कि रिजेक्शन बिकेम पार्ट ऑफ माय लाइफ यू अंडरस्टैंड और वहां से जो मेरी चमड़ी मोटी हुई जो कि अभी तक है क्योंकि यू कैन टेक लाइफ टू वेज इधर यू फील वेरी वल्नरेबल टू दोस सिचुएशन और यू फील सो थिक स्किन Ki I know myself I, am, I will not let you define me okay? I will not let it decide uh, what kind of an actor i am and what 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 can i deliver okay? what i am worth so what life has done that I, it has given me the the second thing Ki I didn't let after that I didn't let anyone affect me kamal a change इन सारे जो लाइफ में जो मेरे साथ लगातार हो रहा था मुंबई के स्टे में वो लगातार जो होता रहा होता रहा है उसने मेरी चमड़ी बड़ी मोटी कर दी एक बार एक ऑडिशन दे रहा एक असिस्टेंट डायरेक्टर मेरा ऑडिशन ले रहा था रोल के लिए तो मेरे अंदर ना बड़ा गुस्सा आया दो टेक के बाद वो मुझे डायरेक्ट करने लगा तो मेरे अंदर में बड़ा गुस्सा आया कि बस बकवास ये कर रहा है मैंने इसको ऑलरेडी दो पहला और दूसरा मतलब दे ही दिया है तो वो तो उसने कहा अच्छा ठीक है ठीक है यार ठीक है ठीक है हो गया हो गया मैं दिखा दूंगा ये तो मैं नहीं नहीं एक और वेरिएशन देता हूँ तो एक दिया फिर मैंने रुक जाओ अब मैं जिद पे आ गया मैंने कहा एक और वेरिएशन दूंगा तुम तो। करते करते मैंने उसको पंद्रह वेरिएशन दिए थे उसके जिद जिद, जिद। तो नाउ द होल अप्रोच टू माई करियर एंड माई वट यू कॉल जर्नी हैज चेंज आफ्टर दैट देन आई आई टू टेक इट ऑन माई चिन माई एंगर वॉज अ बिग इशू सिड माई एंगर वॉज समथिंग दैट आई डिट नो हाउ टू डील विद इट बिकॉज वो अचानक आता था और वो मेरा एंगस्ट ऐसा नहीं था कि कोई दिल्ली का था या बम्बई का था वो मेरा एंगस्ट आता था मेरी मॉम की तरफ से बिकॉज मेरी माँ भी बहुत एंग आई न्यू दैट इट इज़ नॉट गुड बट आई डेंट नो हाउ टू कंट्रोल इट आई डेंट नो मैंने ऐसी ऐसी जगह गुस्सा किया जहाँ मुझे नहीं करना चाहिए था और जिसको लेकर के मैं बाद में मुझे बहुत पछतावा भी होता था कि मैं यार हंसल के ऊपर क्यों चिल्ला दिया ये मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है मैं यार अनुराग के ऊपर क्यों चिल्लाया मैं तो ये बहुत अच्छा दोस्त है और लेकिन ये लोग मेरे दोस्त थे तो ये मुझे समझते थे दे दे हैड द एक्सेप्टेंस ऑफ मनोज वाजपेयी बाकी लोग नहीं समझ पाते थे यू नो सो इट वॉज इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम बट द ओनली थिंग दैट सेव्ड मी इज़ माई स्टबनेस रिजॉल्व टू नॉट लेट एनी वन डिफाइन मे और डिसाइड फॉर मे सो मैं कंटिन्यूसली मैं हमेशा वॉर मैं हमेशा जंग ही लड़ता रहा आज भी मैं अब ज़्यादा नहीं लड़ता हूँ लेकिन हाँ अभी भी जैसे होता है कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि ये फिल्म मैं सेटअप करूँगा पूरा सब लोग कह दें कि नहीं हो पाएगा my today, if Bhaiyaji is here it's because of that stubbornness where people said no i said this will happen you know and not because of anything else because i can see that this can happen but i will not let you you know decide that this can't happen because of the template or the formula that you have in your mind you know so when it gets channelized, then it helps you. Then it doesn't offend a friend like say, Sid. Friends could be my offended anger say, stubbornness, family. But slowly, you know, I found a way. I found a way and then a uh, few years back, my spiritual teacher happened to me. And the life had changed. You know, he has given me a direction where now what you see. जस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ मनोज वाजपेयी तुम मुझ कितनी बार मिल चुके हैं बहुत सारे सालों से जब तुम कॉले थे तो तुम मेरा इंटरव्यू करते थे हाँ अब तुम भी जो है बहुत सुधर गए <laughs> <laughs> इसको कहते एवोल्यूशन को खुला, खुला, खुला एक्सेप्ट कर हाँ नहीं बल्कि चैनलाइज करना अपनी सारी जो चीज़ें हैं अपनी जितनी एनर्जी है आपकी जितना एंगस्ट है उसको अगर आप चैनलाइज करते हैं तो और उसका जब तरीका मिल जाता है आपको तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है फिर अभी तो मुझे हर चीज़ आसान लगती है मेरी मेरे मॉम डैड के जैसे हम मा, माए बाबू जी बोलते थे उनके डेथ को मैंने जितने अच्छे ढंग से डील किया मैं शायद आज से दस साल पहले नहीं कर पाता आई वुड हैव बीन अ ब्रोकन मैन ओके माई माई फादर हु वॉज़ वेरी क्लोज टू मी यू नो आई जस्ट अ डोड हिम एंड आई वज शूटिंग फॉर किलर सू इन केरला एंड इन माई केस आई वॉज वेरी लकी दैट यू नो आई हैव मैनी सिबलिंग्स सो इन माई ऑप्शंस दे वर टेकिंग केयर ऑफ ऑफ हिम एंड माई मदर वॉज दैर सो आई आज टू जब भी ब्रेक होता था मैं चला जाता था अभिषेक मुझे एक चौबी मुझे जाने देता था मैं केरला से फ्लाई करके मैं बहुत सारा ट्रैवल करके मैं आता था दिल्ली और मुझे देख के बहुत खुश होते थे एंड आज टू लुक एट हेम आई लुक एट हेल्पलेस मैन एंड हमेशा बोल के जाता था कि मैं जा रहा हूँ शूटिंग करके वापस आ जाऊँगा मोस्ट हार्ड ब्रेकिंग वॉज वन डे माई सिस्टर हैज़ कॉल्ड एंड सेट यू नो बाबूजी हैज़ रियली कम्प्लीटेड हिज जर्नी व्हेन डॉक्टर इज संग बट ही इज समर स्टक इन दिस वर्ल्ड फॉर सम यू नो स्टिल मतलब अभी भी इनको मो माया के जा, जाल में इनकी आत्मा फंसी हुई सिर्फ आप ही हैं आपके साथ में ही ऐसा संबंध रहा है इनका आप बोलोगे तो ये बॉडी छोड़ देंगे मैं किलर सुबह का शॉट देने जाने वाला हूँ मेरा बॉय जो है मेरे वैन में है सिड और मैं अपने फादर से फ़ोन पर कह रहा था बाबू जी आप जाइए बाबू जी हो गया प्लीज गो एंड इट वॉज इट वॉज हार्ड ब्रेकिंग फॉर मी एंड माई बॉय स्टार्टेड क्राइंग हाउलिंग एंड आई एम गोइंग फॉर माई शॉर्ट आई हैव टू गो फॉर माई शॉर्ट दे असिस्टेंट डिरेक्टर्स आर स्टैंडिंग आउट्स है दे डोंट नो हाउ टू टेल मनोज वाजपेयी कि भाई चलो उनको भी नहीं पता क्या हो रहा है एंड हियर आई एम आस्किंग माई फादर टू लिव हिज बॉडी okay that i think that was the the toughest thing for me but i dealt with it and next day morning he left early morning he heard my voice i know that he was you know staying in that body just to see me and we, when he heard it when i talked to him for a very long time when he could hear my hear my voice he left his body early in the morning then I got a call when I was sitting in my meditation from my brother, Ajaye. And that was the time I cried. I cried for a father who was the, was the best human being. I cried for him. Then my brother is saying that, Morojya, uh, uh, don't cry. I said, yaar. I'm crying because. I, because I have never seen a a better human being like you know than him and I have led a very uh, experienced life I met thousands of people but this man was something else what a man what a what an evolved man आज हम फैमिलिज्म की बात करते हैं आज हम टॉक्सिक बिहेवियर की बात करते हैं डेट मैन वाज फ्रॉम डेट विलेज एंड ही नेवर Even raised his voice in front of my mother, who was such an angry woman, always supported the family. So that was my, uh, he was, I, I felt bad. I really felt bad. And then in six months, my mother died six, eight months. My, you know what my mother said? Most funny thing. I am going back to the village. ऑल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि वहाँ पे कौन है अब वहाँ पे कैसे जाके जाइएगा आप तो नहीं मैं तुम्हारे बाप के जो है देखभाल करके के थक गई हूँ अब मैं चले गए हैं अब मैं जा के उस घर को इंजॉय करूँगी एंड शी वेंट बैक आई टेल यू वट कैन गट सी वोमन आई एम टॉकिंग अबाउट शी वेंट बैक एंड ऑल ऑल्सो वेरी स्कैड टिल द टाइम शी डाइड वो जाके वहीं रहती थी सारे जो अपने स्टाफ रखे थे उन्होंने अपने गांव के घर में वो सारा मैनेज कर रही थी अकेले अपना जो है टीवी देखती थी अपना फ़ोन पे अपने बेटे बेटियों से बात करती थी वो एक बार उनके कैंसर डिटेक्ट हुआ था बहुत पहले तो डॉक्टर ने कहा था कि स्टमक का है बट ये इस तरह कैंसर है जो जल्दी वापस नहीं आएगा इनको टाइम लगेगा बट वो कैंसर जो है वो ग्रो होना शुरू हो गया था शी नो वी नो उनके पस होना शुरू हो गया स्टमक में एंड पस जो है नेबल से हल्का हल्का निकल रहा था तो यूट्यूब देख करके वो अपना इलाज कर रही थी स्ट्रॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट देन माई हर्ड एंड सच कि नहीं भाई आप निकलिए वहाँ से देन वो हमारे मैनेजर को बोला गया कि भाई लेके इनको ट्रेन में बिठाइए लेके आइए वो आई एडमिट हुई एंड द मोमेंट शी रियलाइज that she is going to be depending on her children. She told my uh, sister, please ask doctor to give me something so that I can die. She said, why? I said, no, I don't want to be dependent on anyone. It's better that I die. She left. So, uh, the, my whole parvarish is like that not to bow down not to surrender not to be dependent not to be defined by anybody and still be gentle and polite that has been my my upbringing and that is and i found my answer about the personality that i am you know i'm a mix of both my parents one was aggressive एंड वन वॉज जेंटल सो आई थिंक आई एम बोथ यू नो अग्रेसिव वेर इट इज नीडेड एंड मोस्ट पोलाइट हेलो मेरे दोस्तों मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है अंगार यानी कि फायर पावर फ्रॉम विदिन टी शर्ट्स हुडीज स्वेट शर्ट चमसू बैग्स मग्स सब अवेलेबल है at Anggar.store link here the description mein bhi. so check out the merchandise purchase it price both reasonable hair and the clothes are very easy and comfortable to wear Angar, Machao If I get my life लोग बोलते थे अरे आ गया मनोज भाजपा सत्या के साथ right. और फिर फॉल फॉल फिर अरे यार खत्म खत्म okay. कर नहीं पाएगा बंदा, आउट क्या है ठीक है अच्छा एक्टर है तो क्या हुआ हाँ, हाँ. लोगों को खींचने पाएगा अकेले हाँ, घरों में फिर वापस राइट right. फिर नीचे फिर नीचे रूपे इतना उतार चढ़ाव बहुत कम लोगों की जिंदगी में मैंने देखा है इतना उतार चढ़ाओ जल्दी देखते नहीं है लोग आई वुड सेव आई हैव हर्ड द स्टोरीज ऑफ रियली डाउन एंड देन बिकमिंग रियली अम टू डेन विदो को सत्या के बाद uh, मेरे पास में सारे विलन्स के रोल आते थे यार और मैं विलन जो टिपिकल विलन्स जो कमर्शियल फिल्म मैं करने को तैयार नहीं था तो पैसा आ नहीं रहा है uh, काम आप कर नहीं रहे हो फिल्में नहीं आपके पास में जो अगला काम आ रहा है वो राम गोपाल वर्मा से ही आ रहा है कौन जो अगला काम आ रहा है वो राम गोपाल वर्मा से ही आ रहा है एक तेलुगु फिल्म जो उसके अगला काम आ रहा है वो राम गोपाल वर्मा ही दे रहे हैं शूल पैसे है नहीं पैसे उन फिल्मों में पैसे नहीं होते थे बिल्कुल नाम बराबर फ्री में करते थे उनके लिए उनके लिए तो आज भी फ्री में मतलब ही दैट मैन हैज़ गिवन मी अ करियर वेन आई नीडेड इट द मोस्ट दैट मैन हैज़ गिवन मी अ लॉन्च पैड प्रॉपरली That no no one in the industry could think of a even after Satya, they could not even give me that platform or the position. They were not ready to recognize my my work. Uh, and rather they were only trying to box me into a category where I was not really comfortable on, which was not doing justice to me, me or my dream. So wo tough. Hota tha, ki aap auto tafada. तो मैं ऑटो में जा रहा हूँ एंड इंटरव्यूज़ के लिए जा रहा हूँ जहाँ पे बीस पच्चीस जर्नलिस्ट हैं बाहर लोग फोटोग्राफर खड़े हैं एंड नाउ दैट दैट स्टार्टेड बिकमिंग अ थिंग ओ मनोज बाजपे जो है ऑटो में आ रहा है मैंने कहा है, यार ये क्या हो रहा है दे आर मेकिंग ऑफ लडी स्टोरी आउट ऑफ माय कंपल्शन यू नो स्टोरी आउट ऑफ माय 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 पॉवर्टी बुश आई वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट आई वाज नॉट यर टू सेल माई वॉट यू कॉल मिसरी और लैक ऑफ मनी आई वॉज हेयर टू वर्क राइट इन फैक्ट बहुत से लोग आज के जमाने जान मुझ के जब ऑटो में जाते हैं लोगों को बुलाते हैं की, कि खींचो मेरी तस्वीरें ऑटो में राइट right. क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि देखो लग्जरी में रहते हैं बट हम ऑटो में बैठते हैं <coughs> but you didn't want that. I सो so, मुझे बड़ी डिस्कम्फर्ट होती थी द मोमेंट आई हैड अ लिटल बिट ऑफ यू नो मो मनी मेरे उस समय के जो सेक्रेटरी थे काफ़ी नामी ग्रामी थे तो उन्होंने इमीजिएटली कहा कि मनोज जी गाड़ी ले, ले लेते हैं yeah, मैंने कहा ठीक है मैंने गाड़ी ले लिया जस्ट टू अवॉइड दैट बिकॉज यू नो आई डेंट वॉन्ट दैट कैन ऑफ पब्लिसिटी लुक एट लुक एट हेम यू नो अभी भी ऑटो में चलता है बेचारा you know, बेचारा भी, आदमी तो वो वो मैं चाहता नहीं था आई वॉन्टेड टू बी सेलिब्रेटेड फॉर माई वर्क नॉट फॉर वट आई राइड इन वो चाहे अभी भी मर्सिडीज के साथ में भी है मोस्ट अनकम्फर्टेबल वेन यू टॉक अबाउट माई पर्सनल पोजेशंस और मटेलिस्टिक पोजेशंस मटलिस्टिक अचीवमेंट आई एम वेरी अनकम्फर्टेबल विद दैट बिकॉज अभी मैंने तुमको देखा आई फील वेरी हैप्पी यू केम इन योर यू नो ट्रैक योर टी शर्ट एंड यू आर डूइंग सो वेल आई लाइक दैट आई लाइक इट बिकॉज your your मेटरलिस्टिक अचीवमेंट इज़ योर्स योर पर्सनल वट यू डू on your handle, YouTube handle, is something that we should talk about. You know, we should not be talking about कि ये कौन सी गाड़ी मर्सिडीज़ में आया था कि मैसेराटी में आया था मेरा क्या लेना देना है उससे या कोई जो बाहर दर्शक है उसका क्या लेना देना है उससे आप उसके साथ पेश कैसे आते हो या आप आप कौन सा काम उसको देते हो That 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 should be talk, that should be be talked about, but I think it's a, it's just a just the the materialistic world that, and the consu, consumerism move that, uh, uh, we are living in, right? आ, दिल पे मतले दौरान मुझे हंसल भाई ने बोला था बहुत सारी तकलीफे गुजरे थे वो उन्होंने बात किया था एक दो घंटे के पॉडकास्ट उनके शक्ल को काला किया गया था बिल्कुल

उसके बाद मैनी अदर अनवॉन्टेड पीपुल गॉट इन टू द प्रोजेक्ट सम बिकॉज ऑफ मी सम बिकॉज़ ऑफ हंसल एंड थिंग्स ड गो राइट आफ्टर दैट येस यू फील बैड लेकिन यार मैं इतना ज़्यादा झगड़े को लेकर के मैं इतना ज़्यादा मैं चिंतित नहीं होता हूँ या रिग्रेट नहीं करता हूँ यू नो वट आई रिग्रेट नॉट रिग्रेट आई वो से वट आई फील बैड That Hansel has to go through that whole uh, protest and the people, you know, really putting uh, ink on his face and uh, and it, that was a the, when that happened, uh, he doesn't know this. I went into my bathroom, I cried. That how can this happen to someone like him? He's you know no matter what Hansel has always been a very very supportive person not only to me uh, and his entire family. His when his mother died, my heart was broken because she used to feed me. The first thing she used to do whenever, whenever I used to land up at his place, that she used to get food in front of me, thinking that he must not have eaten. Only a mother could do that. Uh, his father till you know. ज एंड आई आई वॉज वेरी क्लोज टू वेन एवर आई आई वेंट टू हिस प्लेस विच टू टॉक डायमंडजन झगड़ा मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन टफ टाइम ऑल ऑफ अस वेंट थ्रू एंड बोथ ऑफ अस एंड सम ऑफ सम ऑफ़ अस एक्चुअली लॉस्ट इट फॉर सम टाइम यू नो बिकॉज आप स्ट्रोंग होते हो स्ट्रॉग होते हो बट आप भी कभी टूट जाते हो और उसमें एक दूसरे के ऊपर चीखना चिल्लाना भी हो गया बट आई आई एम इफ यू आस्क मी टू आई एम नॉट कैरिंग इट आई थिंक इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी दैट ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू बीट हंसल ऑन मी बीट अनुराग एंड मी बीट रामू एंड मी यू नो वी हैड मैनी मैनी आउट्स बट द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैड डैट माई इमोशन वॉज मोर ऑफ एन एंगर आई हेज टू टेक इट आउट इन एंग्री वे एंड देट इज टू ऑफेंड माई फ्रेंड्स मोर मैं भी बहुत ऐसे ही हूँ because अगर मैं रोता उनके सामने तो शायद इतना ऑफेंड नहीं करता तो मेरा इमोशन जो है एंगर के रूप में हमेशा निकलता रहा मैं उतना ज़्यादा रोने वाला आदमी नहीं रहा हूँ तो मेरा ज़्यादा गुस्से वाला रहा है तो अगर मेरा इमोशन अगर मेरा फ्रस्ट्रेशन गुस्से के तौर पे निकल रहा है तो दूसरा जो है यूज टू बी थ्रोन ऑफ कंप्लीटली सो वट आई डिड कि मैंने डीमन पे काम करना शुरू किया माई डीमन वॉज माई एंगर एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड आई टुक मी मैनी इयर्स टू फाइनली सेड आई एम सेवेंटी फाइव परसेंट नो I, he, I am healed because now I can see it from a distance. Now it is not part of me and analyze things. So I am I'm, I'm much better a person. I am much better a friend. Today, Hansel and I can sit down. I mean, not only today, I mean, it, we worked, uh, uh, we actually got together uh, when I was doing Acid Factory for Sanjay Gupta, and Hansel was taking care of his uh, company.

So, <laughs> uh? वो हमेशा कहते हैं दौड़ बॉम्ब बिकॉज ऑफ मनोज वाजपेयी एंड हिज रीजन वॉज कि दौड़ वॉज अ कॉमेडी फिल्म <laughs> है ना दौड़ कॉमेडी फिल्म है और ये साला वहाँ सीरियस एक्टिंग कर रहा था मैंने कहा रामू सर आपने मुझे सीरियस नरेशन दिया था आपने कब बोला था कि ये जो है कॉमेडी फिल्म है और मैं सीरियसली कर रहा था और मुझे जो है बाकी एक्टर बकवास लग रहे थे कि ये इतना बफुंडरी क्यों कर रहे हैं देन ही रियलाइज की यार मैंने तो इसको नरेशन ही कुछ और दिया था। पूरी फिल्म कॉमेडी फिल्म एक ही आदमी उसमें सीरियस एक्टिंग कर रहा था मनोज वाजपेयी क्योंकि मुझे किसी ने बोला ही नहीं था और उस समय तो कोई था ही होता ही नहीं था तो नरेशन दिया गया था एंड <laughs> <laughs> रामू से अभी भी तुम पूछना रामू को कभी बुलाया तुम्हारा अरे तीन दिन पहले बात क्या आ रहे हो अभी वो हाँ, पूछना है इससे कि दौड़ किसकी वजह से बॉम्ब हुई मनोज गॉड, <laughs> <उस बाच्च laughs> <पे>। oh <God. laughs> जब जुबेदा आई <ही> थी <laughs> आपने महाराजा का किरदार निभाया था आपको बहुत फ्लैक मिला उस फिल्म के लिए <laughs> क्योंकि सो कॉल्ड लोगों जो इंडस्ट्री में थे उनका एक परसेप्शन था <laughs> कि महाराज को इस प्रकार दिखना चाहिए या yeah, कुछ लोग कुछ क्रिटिक्स ने लिखा था इज गुड बट ही रोल गुड बट हिट लुक लाइक अ प्रिंस एंड यू नो एंड मैंने मुझे लगा कि यार ये कितने लिबरल लोग हैं कितने इवॉल्व लोग हैं इनको पता ही नहीं है कि कितने बड़े रेसिस्ट हैं बहुत रेसिस था ये बहुत ही ज़्यादा रेसिस था देन आई शोड इट टू फ्यू ऑफ माई माई फ्रेंड्स आई से हाउ शुड आई टेक इट उन्होंने कहा थूक दे इस पर ये रिव्यू ये नहीं है दिस इज दिस इज दिस इज अयस दिस इज दिस इज रेसेस्ट एंड इट्स वोर इज रेसेस्ट थिंग बट आज देखिए आज मैं इंटरव्यू कर रहा था भैया जी के लिए और फोर आउट ऑफ फाइव जर्नलिस्ट दुड टॉकिंग अबाउट जुबैदा एंड माई परफॉर्मेंस सो अगर आप और मेरी आदत कभी नहीं रही है कि मैं किसी को जवाब दो मैं कभी जवाब नहीं देता आई आई पर्सनली डोंट आंसर द क्रिटिसिजम एट ऑल कभी नहीं दूंगा हाँ रॉन्ग न्यूज़ होता है ना कभी कभी वो छाप देते हैं सब तो उसमें मैं कोट कर देता हूँ कि ये कब कहा भाई ऐसे बोल दूंगा लेकिन अगर तुम मेरे क्रिटिसाइज़ करोगे बहुत ही बकवास परफॉर्मेंस है बहुत ख़राब दिखता है मनोज भाज आई मे नॉट इवन रिटॉट मैक आई वेट इट गो बिकॉज द आंसर लाइज इन फ्यूचर और आंसर कैन ओनली कम थ्रू माई वर्क मैनी ऑफ द काटिंग्स आई हैव विद पीपल हैिथल रेस हैं किसी ने कहा कि अब मनोज फरीब फिल्म की थी मैंने एक फिल्म नहीं अच्छी बनी ठीक है होता है कई सारी चीज़ें नहीं बनती हैं अच्छी उस पर किसी ने लिखा कि ना बिकु मात्रे ऑफ सत्या इज बिकम अ पॉन स्टार दैट हर्ट मी यू नो दैट दैट रियली ऑफेंडेड मी दैट नो रिव्यूअर has the right to go that dirty you can review my my film how it is made how that film makes me a porn star there was nothing that i did in that one to suggest that uh, and now uh, the filmography that i worked on it is there for everyone to see so you will get get your answers through my work only my filmography it is there and now all of those people write good things. all of those people are big admirers of, of me, my work. and the, the answer is there. It's, it's better as to work on drawing the bigger line than, than really giving answer to, uh, to anyone. it's not worth. क्या जूही चावला जी ने आपको एक फिल्म से हटाया था क्योंकि उनको लगा कि आप बहुत पोअर दिखते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं, नहीं नहीं वो गलत खबर गलत खबर है बहुत सारी चीज़ें गलत गलत लोग डालते रहते हैं ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से उनके प्रोड्यूसर नाराज़ हो गए <laughs> उनके दोनों उन्होंने जो गलत खबर डलवा दिया होगा ऐसा <laughs> नहीं था उस समय ऐसा बहुत करते थे प्रोड्यूसर्स वगैरह उस दौरान में प्रमोशन के लिए नहीं अगर मान लीजिए ऑफेंड हो गए तो पहले के प्रोड्यूसर थोड़े से ज़्यादा नाराज हो जाते थे तो ट्रेड मैगजीन वगैरह में ना वो डलवा देते थे कि इस तरह का है जैसे मैं बहुत सारे लोगों को विलन के रोल मना करता था तो ट्रेड मैगजीन में हर बार डर्टी आइटम मेरे बारे में आता था एक एक्टर जिसे अभी अभी नेशनल अवार्ड मिला है वो अपने आप को अमिताभ बच्चन समझने लगा है अब लोग समझ जाते थे कि ये मनोज वाजपेयी के बारे में बात हो रही तो उसके बारे में बैक टॉक करो ताकि उसका रेपुटेशन ख़राब कर दो क्योंकि आपकी फिल्म को उसने मना कर दिया है सो इस तरह की हरकत पहले पहले जो है काफ़ी होते थे ब्लाइंड आर्टिकल्स ब्लाइंड सॉरी ब्लाइंड आर्टिकल्स आते थे मैंने क्या बोला था वही मैंने आपने हाँ, बोला नहीं था बट इसको कहते हैं ब्लाइंड आर्टिकल्स हाँ ब्लाइंड आर्टिकल्स और जो ब्लाइंड आर्टिकल्स करते हैं वो मेरे नज़र में ऐसे ही गिर जाता है मैं उनसे बात ही नहीं करता बट दैट मीन्स यू आर नॉट यू नॉट वॉर्थ टॉकिंग टू बी आपने सुशांत के साथ काम किया था राइट right? जी वो बहुत अफेक्टेड हो जाते थे ब्लाइंड आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा बहुत वालरबुल था वो उस मामले में अच्छा आदमी था बहुत ही अच्छा आदमी और अच्छा आदमी ही अफेक्टेड होता है राइट वो बहुत बार आके मुझसे पूछता था कि सर मैं क्या करूं? तो मैं उसको कहता था कि यार तू ज़्यादा सीरियसली ले, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ भुगत रहा हूँ मैं अभी तक भुगत रहा हूँ कुछ एक लोग हैं भाई जो लोग जिनकी फिल्में चल रही हैं जो पावर में हैं उनको हैंडल हैंडल कर मैं तो हैंडल दूसरे तरीके से कहता करता हूँ मैं तो मैं तो उनको दोस्तों को बोलता हूँ मारूंगा मैं तुझे <laughs> क्योंकि मैं जानता हूं कि जा जो मजे लेते थे इस <laughs> मजे लेते थे। <laughs> <laughs> तो मैं तो बिहारी आदमी तो मैं मैं ऐसे झगड़ा नहीं करता हूं मैं किसी से नहीं तो आ, क्या मतलब तो उसके दोस्त को बोलो या दोस्त के दोस्त को बोलो तो दोस्त जो है दोस्त को बोले भाई दोस्त वो दो उसको बोलेगा कि मनोज बाजपी तुझे मारेगा तो बात पहुंच जाए यही चाहिए ना तो हंसता था सुशांत बहुत हंसता था सर ये आप ही कर सकते हो मैं नहीं कर सकता मैं कैसे करूँ बट ही टू आई टू टू ही बी ट्रबल बाय दोस्त क्या कहते हैं ब्लाइंड, ब्लाइंड आर्टिकल्स ब्लाइंड आर्टिकल्स बहुत सेंसिटिव uh, और बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था और मैं जो मटन बना के खिलाता था सेट पे उसका दीवाना था क्योंकि बेसिकली तो बिहारी था वो तो और जो मीट भात हम लोग खाते थे मैं बनाता था कई बार खाया उसने और बोलता भी रहता था कि मनोज भाई आपके घर आके खाना है तो मैं जैसे ही बनाऊंगा मैं तुझे बुलाऊंगा दैट वाज आर लास्ट टॉक एंड ठीक उसके दस दिन के बाद यू नो ही पास्ट अवे

एंड इरफान हैज़ बिन डोइंग सो वेल नेशनली इंटरनेशनली सो या इनके नहीं होने का जो है अभी तक एहसास हो नहीं पाया कि यार नहीं है ये है नश्वास नहीं कर पाते आप इरफान का क्या इम्पैक्ट था आपके करियर पर एज अमन बींगा हम लोग एक समय पर थे थिएटर करते थे वी बोथ यूज टू वॉच ईच अदर्स प्लेस एंड टॉक अबाउट दफ एक्टिंग एंड दू अप्रोच टू एक्टिंग हम काफ़ी चीज़ें शेयर करते थे बट दैट वॉज़ वेरी लेस बिकॉज इरफान का अपना एक फ्रेंड uh, सर्किल था मेरा दूसरा फ्रेंड सर्किल कभी कभी मिलते थे एंड एसिड फैक्ट्री की शूटिंग के दौरान हमारे सीन नहीं थे साथ में बट uh, इरफान की बड़ी इच्छा थी वो एक एन डी टी हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे तो एन डी के लोग रोज बोल रहा बोल रहा था कि यार सवाल पूछो कि मैं कि डायरेक्टर हमारे दोनों को साथ में लेकर क्यों नहीं करते हैं आई रियली वॉन्ट डायरेक्टर्स टू कास्ट बोथ फर्स्ट

एक्टर्स लाइक स्ट्रगल्ड पता है आपको आ, मेरी कोई भी फिल्म आती थी ना हुँ? मेरी कोई भी फिल्म आती थी तो इरफान के अगल बगल वाले कहते थे कि यार सबसे ज़्यादा तो नर्वस वो है बिकॉज इरफान हो चाहे के के हो ये सब कहीं ना कहीं दुआ कर रहे थे कि अगर इसकी फिल्म चलेगी तो हम जैसे एक्टर्स को आगे आने का मौका मिलेगा एंड देवर राइट इवन के के इज़ वेरी राइट कि एक, एक राम गोपाल वर्मा के कारण मुझे मेरा करियर मिला मेरा सिर्फ मुझे सिर्फ करियर नहीं मिला बाकी सब इरफान और के के करियर मिला बिकॉज सब अचानक से जो है पीपल स्टार्टेड शोइंग लॉट ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट इन द एक्टर्स राइट तो uh, अगर सत्या नहीं आती भिकु मात्र नहीं होता राम गोपाल वर्मा चांस नहीं देता उस तरह की फिल्म नहीं बनाता तो शायद नन ऑफर्स हैज़ हैपन ना नफर्स नॉट ओनली के नानफर्स नानस हैियर नहीं होता हमारा हम लोग वही विलेन के दूसरे तीसरे हैंचमैन होते राइट हमारी तरफ कौन देखता गैंग्स ऑफ वसीपोर नवाजुद्दीन राइट उनका भी नाम बहुत हो गया बहुत ज़्यादा पर लोग पिट करते थे कि मनोज वाजपाई वर्स इज इरफान राइट वर्सिज जैसे लोग करते थे सुपर स्टार्स राइट फॉर एग्जाम्पल सलमान शाहरुख ये एक्टर्स के बीच में होता था राइट right. कभी आप लोगों के बीच में वो कम्पिटिटिव एज था एज नहीं रहा जैसे कि नवाज इरफान के साथ में जैसे उसका पान सिंह आया तो मैंने उसको लिखा कि यार यू आर ब्रिलियंट इन द फिल्म मेरा कुछ अलीगढ़ उसने देखा तो उसने लिखा मुझे सो so, ये एक म्यूचुअल एडमरेशन होता है एक्टर्स के बीच में स्टार्स के बीच में कॉम्पिटिशन हो सकता है बिकॉज दे स्ट्रगल फॉर पोजिशन ओके okay. हम लोगों में क्या पोजीशन है हमारी पोजीशन तो कुछ भी नहीं है हम तो एक्टर्स हैं बिकॉज वी आर नोन फॉर आर वर्क फॉर आर एबिलिटी फॉर आर क्राफ्ट राइट पोजीशन तो स्टार्स के बीच में इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा आपको चाहे वो हॉलीवुड हो या यहाँ पे हो या किसी भी बाकी इंडस्ट्री में दे ट्राई टू आउट डू इच अदर यू नो यहाँ पर यहाँ पर वैसी कोई चीज़ नहीं थी विद दिस uh, मैं आपको पचास इंटरव्यू दिखाऊँगा यहाँ पर हम सब ने एक दूसरे के बारे में बात की है बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है ना हम तो एक दूसरे से सीख रहे हैं लगातार सीख रहे हैं मैं आप कुछ दिन में देखो कि मैं नवाज के जो हवेली बनाई है साहब ने मैं वहाँ पे आप कभी देखेंगे आप मुझे बैठे हुए हम लोग बैठ के काफ़ी हंसी मजाक करते हैं के के मेनन जिनका टेरेस फ्लैट है टेरेस अपार्टमेंट भाई साहब का जहाँ पर पौधे उगाते हैं वो है ना तो हम लोग वहाँ पर बैठ कर के बातें करते हैं एवरी थिंग्स एट विल टॉक अबाउट ओनली एक्टिंग नो हम सारे बकवास बातें करते हैं सिर्फ लोग सोचते हैं कि सिर्फ सिद्धार्थ कनन करता है बकवास बातें हम सब करते हैं मैं ये जरा आपने विशाल भारद्वाज जी के साथ कभी काम क्यों नहीं किया सिद्धार्थ ये विशाल भारद्वाज जी से पूछिए कि उन्होंने काम क्यों नहीं दिया आपने पूछा उनसे नहीं मैं क्यों पूछूंगा मैं तो उसकी फिल्म देखता हूँ उसकी तारीफ करता हूँ उसकी फिल्मों की तारीफ करते हैं यहाँ तक कि उसकी कास्टिंग में भी मदद करता रहता हूँ जब मदद करते हो तब ये एक लाइन ही डाल देते हो कि यार आपकी तो परख है अच्छे एक्टर्स की तो मैं क्यों नहीं तो उसकी नजर में अच्छा एक्टर नहीं होंगे भारद्वाज के अरे <laughs> नहीं ऐसा थोड़ी है। 2002 में यू हैड रोड एल ओ सी पिंजर सारी फिल्म सारी 1971 सेवन गॉट थ्री नेशनल अवार्ड सब सब नहीं चली पिंजर के लिए नेशनल अवार्ड मिला मुझे बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली नहीं चली बट यू नो वॉट पिंजर गेम में वीर यश जी सॉ द फिल्म एंड ही वॉज मेसमराइज एंड ही वॉज एट ऑन गेटिंग नहीं तो यश जी के साथ हम जैसे एक्टर्स के लिए कोई जगह ही नहीं थे ना भाई यश जी कहते भी थे कि बेटा ये अभी हो जाएगा पता नहीं कब काम करेंगे तेरे साथ मैं तेरे जैसे एक्टर के लिए फिल्म नहीं बनाता हूँ सो इट वॉज अ बैड टाइम यस यू आर राइट एंड द डाउन दैट आई हैव सीन भगवान न करे कि कोई किसी और को देखने को मिले वैन यू हैव टू डू अ फिल्म जस्ट बिकॉज अब पैसा खत्म हो रहा है अकाउंट में अब घर कैसे चलेगा ना आउटसाइड पीपल डोंट नो देर इज़ नथिंग देयर इन दैट बिग हाउस देर इज नथिंग लेकिन उसमें अपना काम अपने पूरा डिसिप्लिन बना के रखना उसमें ये विश्वास रखना कि मैं वापस आऊँगा मैं हर दिन सुबह उठता था और रात को ही मैं लिखता था किसको फ़ोन करूँगा उसका नंबर जो है अपने मैनेजर को बोलता था कि नंबर जुगाड़ कीजिए नंबर जुगाड़ करके अगले दिन सुबह नहा धो के जब मैं बैठा और नए कपड़े पहन के बैठता था कि एज़ इफ़ आई एम गेटिंग आउट आई दैट्स माई रूटीन हमेशा नए कपड़े पहन के मैं आयन किए हुए कपड़े पहन के बैठी एज़ इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क और पहला काम करता था मैं फ़ोन लगा जिसकी फिल्म देखी है आपने उसकी फिल्म बहुत अच्छी लगी है तो आपने फ़ोन किया कि प्लीज़ गिव मी सम वर्क आई डोंट हैव गुड वर्क आई वुड लाइक टू वर्क विद यू यार न प्लीज़ काम मांगना ये मैंने अनुपम खेर जी से सीखा कि काम मांगो जब आप काम मांगते थे कुछ लोग बोलते होंगे चलो अच्छा है डाउन टू अर्थ है मांग रहा है काम हाँ। कुछ लोग सेंस ऑफ पावर करके इंसल्ट करते थे इन... डायरेक्टली इंसल्ट नहीं करते थे इट यूज टू बी लाइक मनोज यार मैं ऐसे कास्टिंग नहीं करता हूँ जब ज़रूर मैं ऐसा लगेगा तो मैं जरूर फोन करूँगा लेकिन नीरज पांडे इज समन वो ऑलवेज एंटरटेन माई कॉल्स एंड दैट रिजल्टेड इन स्पेशल छब्बिस यू नो एंड ही केप्ट ऑन टेली मी सर आपको फ़ोन करके काम मांगने की जरूरत मुझसे नहीं है आई विल रिमेंबर दिस आई एम अ बिग फैन ऑफ यू फ्रॉम द टाइम ऑफ सत्या एंड शूल दीज आर माई फेवरेट फिल्म यू डोंट प्लीज डोंट एम्बेरेस मी बाई कॉलिंग मी फॉर वर्क आई वॉन्ट टू वर्क विद यू नीरज पांडे वॉज वन हु कैंड ऑफ remembered, ऑलवेज रिमेंबर्ड एंड दैट वॉज द रीजन आई गॉट स्पेशल छब्बीस Uh, my, my career got resurrected with uh, rajniti then special chhabis then gangs of wassepur and suddenly i was am from that time till now you know abhi tak uh, bhawangdeya se sab so anything ji dosto merchandise angar merchandise jumpers <laughs> t-shirts <laughs> hoodies mugs ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज अंगार डॉट स्टोर यहां पर क्लिक करिए लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे राजनीति में बहुत सारे कैरेक्टर्स एक्टर्स कैरेक्टर्स जो भी कहें। रणबीर कपूर कतरीना कैफ अर्जुन रामपाल बड़ी लिस्ट थी बट स्टूड आउट पीछे के कोई होंगे? बहुत सारे एनेक्टोड्स हैं उसके क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैं मतलब ज़मीन मेरा ज़मीन पे मेरा चेहरा था और धूल ही धूल लगे हुए थे मेरे चेहरे पे। आई वॉज कंप्लीटली आउट एंड प्रकाश जी ने मुझे बुलाया और कहा कि वहीं रोल है मैंने Adapt किया है महाभारत को तो सुनाया उन्होंने उन्होंने कहा ये रोल और ये रोल इसमें से दोनों में से कोई चूज करो तो मैंने चूज किया रोल तो नहीं नहीं ये वाला ले लो मैंने कहा नहीं सर वो नहीं चाहिए मुझे मुझे ये वाला दे दीजिए अरे पागल हो क्या ये वाला लो ना ये वाला लो तुम मैंने कहा डायरेक्टर बोल है ये लो मैं कह रहा हूँ नहीं सर मुझे यही वाला चाहिए आई नो सम कॉलिंग समथिंग सम गॉड गॉड्स वॉइस विच वॉज टेलिंग मी गो फॉर दिस जबकि डिरेक्टर कह रहा दूसरा वाला तो उन्होंने कहा क्यों करना चाहती हूँ ये वाला उन्होंने कहा सर मैं दुर्योधन मुझे हमेशा लगता रहा है कि दुर्योधन का पक्ष पक्ष किसी ने नहीं देखा है उसको परिवार के झगड़े में वो उसको विलन बना दिया तो आई वुड लाइक टू प्ले हिम सो दैट यू नो आई कैन शो हिज साइड टू दी ऑडियंस अच्छा ठीक है करो दैट हाउ इट हैपन और जब शूटिंग शुरू हुई तो कितनी बार तालियाँ बजती थी शॉर्ट के बाद एंड प्रकाश ई स्टार्टेड लाइकिंग माई परफॉर्मेंस दिन उन्होंने जो है एक सीन लिखा जो करारा जवाब बोला फिर भोपाल में मुझे अपने ऑफिस बुलाया बोला कि ये पढ़ के सुनाया है कैसा है मैंने कहा बहुत बढ़िया है तो जाओ याद करो कल मैं करूँगा शूट मैं याद करके पूरी रात को रिहर्सल किया अगले दिन पूरे दिन रिहर्सल करता रहा फिर उन्होंने कहा कि लंच के बाद होगा आई वॉज गेटिंग डेस्पर टू जस्ट गो एंड शूट पहुँचा मैं तो तक पूरी तैयारी हो चुकी थी कहते तो तो मनोज एक रिहर्सल कर लो हम लोग शूट के तैयार हैं मैंने कहा नहीं सर शूट करते हैं अरे नहीं नहीं कर लो एक मैंने कहा नहीं सर शूट करते हैं सर मैं तैयार हूँ एंड एक टेक में ओके okay. उन्होंने कहा वेरी गुड ब्रिलियंट जाओ होटल कमरे जाओ अपने मेरा शूटिंग खत्म हो गया सो इट वाज एंड देन करारा जवाब मिलेगा माय परफॉर्मेंस बिकेम आई मीन इट इट वाज सेलिब्रेटेड सो मच अब खास करके जितने भी हिंदी न्यूज़ चैनल हैं कितने में तो उनके अभी भी हेडलाइंस आते हैं करारा जवाब मिलेगा इनफैक्ट <laughs> उस फिल्म में रणबीर कपूर की भी एक्टिंग जी, जी. तो बहुत मानी थी। बहुत अच्छी और आज लड़का कहाँ पहुँच गया एक्टिंग स्किल्स पे जी बिल्कुल कमिंग बैक टू नेशनल अवार्ड्स ये सब आपको बहुत मिले आपको याद नहीं होगा बट मैनी वेज आई रिमाइंड यू आप के के मैन विजय राज थे मेरे साथ जी। हम ने एक किया था, जी जी। था, था। बहुत। 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 लोगों कहा मुझे लगा कोविड के बाद चीजें चेंज हो गई है हाँ। एक चीज मैं बताऊ मेरे ड्राइवर और मेरे बीच में एक बात हुई थी आपसे रिलेटेड तो सलमान की बहुत फिल्में देखते हैं वो तो एवरी फ्राइडे फिल्म कम, ही वुड छुट्टी, वो जाते थे। तो लॉकडाउन के टाइम पे उसकी के साथ उसकी पट नहीं रही थी मेरे ड्राइवर की। तो बोलता था मैं बैठ हाँ। दस घंटा मैं बैठूंगा मुझे बैठने दो गाड़ी में उसको पता चला कि आप द क्लब में बैठे थे हाँ। तो मैं बाहर आया तो उन्होंने मनोज भाई अंदर बैठे थे मैंने आपने मिलाया क्यों नहीं मुझे कहा ज़िंदगी में तो तुमने पूछा नहीं कि मिलाओ <laughs> अब डायनामिक्स uh -huh. चेंज तो right. right. हो गई आपके लिए क्योंकि लोग, आपको टी -टी उन्होंने आपको कंज्यूम किया समझ आ गया अच्छा कॉन्टेंट है एंड एबल टू ड्रॉ मोर पीपल देखिए जैसे तो थिएटर का थिएटर का मतलब ये था कि इंडस्ट्री में कुछ लोगों की मनोपली और ये तुमने देखा है एक बाइसिस एक मनोपली एक लॉबिंग ये इसने इंडस्ट्री को बहुत बर्बाद किया बहुत ज़्यादा एंड देन यू आर नॉट इवन लुकिंग आउट ऑफ आउटसाइड योर ओन हाउस योर ओन लॉबी यू नो फॉर द टैलेंट वेयर द टैलेंट बिकम सेकेंडरी एंड योर योर फेवरेटिजम बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन इंडस्ट्री सफर इंडस्ट्री सफ़र फेवरेटिज्म का मतलब जैसे मैं और आप ये चार लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम आपस में ही बात करेंगे हम पांचवा जो है देखने भी नहीं जाएंगे कि कौन बाहर खड़ा है जो अंदर आना चाहिए आपस, आपस में बाबागिरी करते आपस में बाबागिरी चलती रहेगी <coughs> इंडस्ट्री पता है अपने सबसे गोल्डन पीरियड में थी राज कपूर साहब बैठते थे गीतकार लोगों के साथ संगीतकार लोगों के साथ राइटर्स के साथ बैठते थे एक्टर्स के साथ बैठते थे उनकी शामें गुजरती थी ऐसी वहाँ वो कोई मा, मामे का चाचे का ताए का बेटा नहीं होता था ये सही बात है कि आपका आपका पैसा है आप मामा चाचा ताया के बच्चों को लो बिल्कुल वो आपका अधिकार है लेकिन आप मुझे ये कहने से भी नहीं रोक सकते कि चीज़ों का डाउनफॉल भी उसी वजह से हुआ है आज भी हम अपनी फिल्मों में हम चाहें तो अपने दोस्तों को जिनको जानते हैं एक्टर हम उनको हर, हर फिल्म में लेके आ सकते हैं बट वी वी ट्राई टू बी ट्रूथफुल टू द फिल्म यू नो टू स्टोरी उसके हिसाब से कास्टिंग करते हैं हम अपने दोस्तों और सगों के साथ में पार्टी कर लेते हैं या फिर उनके लिए राइट प्रोजेक्ट आता है तो हम वहाँ पर उनको रिकमेंड कर देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि गलत कास्टिंग हम कराएं हम किसी को फेवर करने के लिए जिसके कारण हमारे थिएटर सिस्टम का हमारे जो फिल्मों का नुकसान हुआ एक पूरा माहौल ख़राब हुआ और जब थिएटर्स बंद हुए तो ओ आया जो कि एक खुला वो खुला मंच था वो कि जिसमें दम है जिसमें औकात है आकर के खेले और उस दौरान में आज मैं आपको बताऊं सिर इस इंडस्ट्री के इतिहास में इतने फाइन एक्टर्स एक साथ कभी बिजी नहीं रहे आई एग्री फीमेल और मेल आज सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है आज सब के सब गर्व से छाती खोल के घूमते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर बिजी यू कॉन्ट कॉन्टैक्ट देम फॉर अ रोल विच इज गोइंग टू बी परफॉर्म टूमोरो दे विल स्पिट ऑनली So you that, feel a sense of fulfillment. See, so that's, that happened because of OTT? Yes, because of pandemic when they were PPI, then the world was closed, and that was that was the time when OTT was the only medium which was entertaining people. And today, directors, writers, actors, and the fine one, are busy at the same time. I can go on giving you the names from that list, male or female, you know. क्या आपको लगा जैसे अभी मैंने देखा आपके ट्रेलर में देसी सुपरस्टार राइट आप हमेशा एक्टर टैग चीज करते थे अब मैं इसका जवाब दूंगा आपको देखिए वो आ, ये स्टार वर्गर को इतना सीरियसली मत लीजिए अपूर्व सिंह कार्कि जिसका नाम है जिसने बंदा बनाई थी व्हाट अ फाइन फिल्म ही आज मैन इट इज बिकम अ कल्ट भैया जी उसी के देन है एंड ही इज़ अ बिग फैन ऑफ तेलुगु कमर्शियल फिल्म एंड तमिल कमर्शियल फिल्म वहां पे वो लोग जब प्रचार करने निकलते हैं तो पावर स्टार मेगा पावर स्टार सुपर स्टार सुपर स्टार कुछ नहीं स्टाइल स्टार इस तरह की चीजें लिखते हैं ये अपूर सिंह कार्की की जिद थी कि देसी सुपर स्टार होना मतलब बिकॉज ही इज गिविंग अ ट्रिब्यूट टू फिल्म मेकिंग एंड ही इज मेकिंग हिज ओन ही इन हिज ओन वे मैंने बहुत झगड़ा किया नहीं ये नहीं जाएगा यहाँ तक कि नीरज पांडे जी उनको दिखाया आप ट्रेलर वगैरह तो उन्होंने कहा पंडित जी इसको निकालिए ये वाला निकाल दीजिए आप तो एक्टर आदमी है क्यों डाल रहे हैं मैंने कहा सर वो जिद कर रहा है वो कह रहा है कि मनोज सर आप इसको रहने दीजिए ये मेरा बिलीफ है मैं इंस्पायर्ड हूँ तेलुगू और तमिल यू नो मेन स्ट्रीम फिल्मों से तो मैं वो टेम्पलेट है जो फॉलो कर रहा हूँ बाकी मेरी फिल्म तो कहानी है इमोशन है अपने तरीके का है आफ्टर मतलब सिक्स मंथ्स आप झगड़ा नहीं कर सकते हो ना सर सिक्स मंथ्स के बाद उसने कहा ठीक है मनोज सर मैं नहीं डालूंगा पता है आपको अप्रूवल तक नहीं डाला था जैसे ही पोस्टर रिलीज हुआ देखा कि इस पर लिखा हुआ है ये टीजर आया मैंने कहा पूरा क्यों किया कहता सर छोड़ो ना सर आप बहुत डरते हो अब यू नो दैट्स हिम दैट्स दैट्स द वे ही वांटेड टू 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 पब्लिसाइज हिज फिल्म भी है, है? और नेडर नेडर है? है। ने, 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 नहीं नहीं उसको फर्क नहीं पड़ता है उसको आप रिव्यू में गाली दो चाहे नहीं दो अप्रो सिंह कार की पहाड़ी आदमी है उसे और अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि यार वो ट्रेलर मत डाल देना कहते सर अब आप सो जाओ ना चादर तान के ये अब आपकी फिल्म नहीं है अब ये पब्लिक की फिल्म हो गई तो कमिंग बैक लोग नाव देर ऑल चेसिंग द एक्टर टैग ये सुपरस्टार भी चाहते कि लोग बोले अच्छा एक्टर है कैरेक्टर दैट और आप हमेशा एक्टर ही जाना जाते थे अभी uh वो -huh. इस, इसके बाद भी जबकि अप्रू सिंह कार्किन ने ये बदमाशी की है उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई स्टार नहीं हूँ ना मैं स्टारडम चेज कर रहा था अभी भी मैं वही एक्टर हूँ मैं आई एम नॉट चेजिंग कॉल ग्लोरीफिकेशन वट आई एम चेजिंग इज अ नॉन वॉट यू नीड टू सेलिब्रेट इज़ माई वर्क इफ एट ऑल यू नीड टू सेलिब्रेट एनी थिंग अबाउट मी अदरवाइज आई एम फाइन I am fine going unnoticed. It doesn't matter to me. I am fine. said. You have known me for so many years. I don't know. I, this is the way I am made. I can't lie to you. I am not being humble. I'm, this is not a sign of humility. This is the way I am. If it is a sign of humility, thank you very much. Gajraj Rao, Vijay Raj, Great actors. Pankaj Tripathi. Amazing actor. Ab log kere, Wow.

शबाना जी का क्या रोल रहा है आपके ये पोजीशन पर आने के लिए आई थिंक सिर्फ शबाना का रोल रहा है तेरह साल पहले मेरी बच्ची का जन्म हुआ था वी डेंट एनी सपोर्ट सिस्टम इन बॉम्बे शी डिसाइडेड टू बी आई मीन शी शी वाज़ द अंडस ऑन मॉम जो अपनी बच्ची को किसी मेड के सहारे नहीं छोड़ना चाहती थी एंड शी वॉन्टेड मनोज टू यू नो वर्क आउटसाइड एंड शुड टुक केयर ऑफ द होल हाउस all on her own. So I would say thank you Shabana thank you very much. It's everything that I have done is only because of her sacrifice. everything that is that I have done is sacrifices only. like I mean of freedom I mean and she decided that you know uh, I'm not going to leave my child in the hands of a maid okay? एंड शी इज़ अंड्स ऑन मॉम अभी हमारी बेटी गई है एक साल पहले बोर्डिंग में तो एक साल से शी इज़ नाओ ऑन हर ओन ट्राइंग टू रीडिंग फ्यू स्क्रिप्ट शी इज़ अ वेरी एक्टिव प्रोड्यूसर इन भैया जी एंड नाव वी आर वी आर गोइंग टू गो वन फ्लोर्स विद अनदर वन एंड शी इज़ मच मोर अ एक्टिव प्रोड्यूसर मच मोर एंड एक्टिव प्रोड्यूसर देर एंड ऑन द साइड शी इज़ रीडिंग ट्राइंग टू फाइंड रोल विद विच शी कैन मेक अ कम बैक राइट रोल नॉट ने ग्रेट लेंथ इफ आई अवे विदाउट दिस फिल्म तो डंडे पड़ेंगे हाँ. अमिताभ बच्चन के साथ समय से आगे था राइट या उसके उसके नहीं चलने का मुझे दुख हुआ था पता है क्यों क्योंकि मेरी फिल्म अमित जी के साथ थी जिनको बचपन में देख करके मैं बड़ा हुआ था जिनको सामने देखा था ना तो मेरी मेरी बोलती बंद हो गई थी मैं गांव का लड़का था यार मैंने अमित जी को फिल्मों में पर्दे पे देखा था मेरे उनके साथ खड़ा होना मुझे लगता था कि मतलब दिस इज़ अ ड्रीम आई एम लिविंग अ ड्रीम मुझे कब आज तक उनके साथ में खड़ा होता हूँ तो मैं चुप रहता हूँ बिकॉज हमेशा लग रहा होता है क्या ये सच है कि मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ खड़ा हूँ क्या ये सच है कि मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ नो you know? एक गांव के लड़के के लिए मतलब ऐसा कि uh, मतलब आपको वंडर uh, में जाके खड़ा कर दिया है अमित जी के साथ है मेरी वो उनके साथ काम किया मैंने हमने साथ साथ समय गुजारे और आप बिलीव नहीं करेंगे वो वो उस समय की सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट फिल्म थी बिकॉज आई वॉज कमिंग आफ़ फ्रॉम बिकू एंड शूल एंड कॉन एंड इट वॉज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड अवेटेड

और सीखी उससे कई गलतियां हैं <laughs> एक उछालो <laughs> <laughs> एक उछाल एक उछाल दे दो है कि आ, एक हम उछालो तो मैं यही है कि ओ, मैंने मैंने और हंसल ने झगड़ा किया एक गलती या कह सकते हैं लेकिन गलती क्या थी यार दोस्तों के बीच में तो झगड़े होते रहते हैं वो हंसल ही कुछ ज्यादा दिल पे लेता है <laughs> ना दिल पे मतले यार मर जाएगा हंसल मेहता बापू दूसरा नहीं दूसरा किस सिद्धांत करण मेरी जिंदगी में आया थैंक यू यूज थैंक यू थैंक यू हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में आई डोंट नो वेदर यू चेस दैट और नॉट यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोग आपसे इतना रिलेट करते हैं बिकॉज यू आन यू You've got your heart in your sleeve, your mind and your tongue are so beautifully. So, people will remember you not only for your films, but for the person that you are. And I hope 30 years, 60 years, those who film you will be able camera The man, Manoj Bajpayee The idea of being Manoj Bajpayee